दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। यार हमें कमेंट मिलता रहता है बार बार कि भाई कुछ ऐसा ट्रिक बताओ जिससे हमारा इंटरनेट स्पीड जो है वो फास्ट चले। यार होता क्या है कि जब हम अपने फ़ोन में जब भी किसी भी वीडियो को डाउनलोड लगाते हैं तो हमारा इंटरनेट स्पीड जो है वो बहुत स्लो चलने लगता है। ऐसे में हमें बहुत दिक्कत होती है किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने में, या फिर यूट्यूब पर जब भी हम कोई ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो हमारा यूट्यूब वीडियो जो है वो बफर करने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आज आपको कुछ दो टिप्स बताऊँगा, उस दो टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो दोस्तों आपका वाकई इंटरनेट स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वो दो सेटिंग्स क्या है जो टिप्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और यार इसी तरह के और भी ढेर सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने टिप्स के ऊपर। तो देखो यार सबसे पहले जो सेटिंग्स है वो आपको सेटिंग्स से करनी है। जो आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे तो जब आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको एक दिख जाएगा ड्यूअल सिम और सेलुलर नेटवर्क का एक ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आपको सबसे नीचे स्लाइड करके आना है और यहाँ पे एक दिख जाएगा गाइस डाटा सेविंग का ऑप्शन, तो ये आपका ऑफ रहेगा तो आपको इसे ऑन कर देना है। तो यही थी हमारी पहली सेटिंग्स। और इसे ऑन करने के बाद आपको क्या होगा कि देखो यार जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो या फिर कभी भी YouTube से वीडियो को डाउनलोड करते हो, उस समय जो होता क्या है कि आपका डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो काफ़ी ढेर सारा देता रहता है, बट वहाँ पे आपका डाउनलोडिंग में स्पीड जो है वो काफ़ी कम दे देता है। ऐसे होता है क्या दोस्तों कि आपका बैकग्राउंड में जो भी सारे एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन भी उस समय इस्तेमाल होते रहते हैं। इसी कारण है कि दोस्तों आपका जो MB है वो ज़्यादा उठ जाता है और आपका डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करता है। तो जब आप इसे ऑन कर दोगे तो आपका डाउनलोडिंग स्पीड है उसमें सिर्फ आपका डाउनलोडिंग जिस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करेंगे वही एप्लीकेशन आपका डाटा को लेगा और उसका इंटरनेट जो है वो काफ़ी फास्ट चलने लगेगा। तो यही थी पहली सेटिंग्स। और दूसरी सेटिंग जो है दोस्तों इससे काफ़ी कमाल की है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप चाह रहे हो कि हमारा इंटरनेट स्पीड जो है वाकई में तेज़ चले तो वो आपको दूसरी सेटिंग्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर करना यार, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करने के बाद वीडियो लाता हूँ। तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखो यार दूसरी सेटिंग्स आपको कैसे करना है, आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो डॉट वाले बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिख जाएगी, इसको आपको ओपन करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे आना है स्लाइड करके और यहाँ पे एक साइड सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे साइड सेटिंग का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा, नीचे में स्लाइड करके आएंगे तो आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए आपको स्टोरेज का जो भी ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। इसके बाद आप देख लीजिए गाइस यहाँ पे आपने जब किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो तो वो सारे के सारे वेबसाइट जो है वो बैकग्राउंड में आपका यहीं पे सेव हो जाता है, और जब आप इंटरनेट को खोलते हैं तो आपका सारा डेटा जो है इसमें ही लग जाता है। और जब किसी वीडियो को आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ना जाकर आपका सारा इंटरनेट का MB जो है वो आपको यहीं सारी वेबसाइट में मिल जाती है और इसी सारी वेबसाइट में खर्च हो जाती है। तो ऐसे में आपका जो भी इंटरनेट स्पीड देता है वो आपका स्पीड डाउनलोडिंग में नहीं देता है, यही सब बैकग्राउंड एप्लीकेशन में देने लगता है। तो आपको करना क्या होगा के लिए, आपको इसे क्लियर करना है, क्लियर साइड स्टोरेज के ऊपर क्लिक करके इसे क्लियर कर देना है। इसके बाद अब होगा क्या कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करोगे, जैसे कि मैं YouTube वीडियो को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करूंगा तो मेरा सिर्फ YouTube वीडियो में जितना सारा नेट खर्च होगा उतना ही भाई होगा और उसका डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसे में कोई भी बैकग्राउंड जो हमारा एप्लीकेशन है वो नहीं चल रहा होता है, ऐसे में सारे का सारा इंटरनेट जो है वो हमारा डाउनलोडिंग स्पीड पर ही लगा रहेगा, इसके बाद हमारा स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। तो गाइस यही दो टिप्स और जो सेटिंग जो भी कह लीजिए उसे मैं आपको देने वाला था, जो मैं आपको इस वीडियो में दे दिया। तो गाइज आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस ट्रिक को करने के बाद आपका इंटरनेट स्पीड जो है वाकई स्पीड दे रहा है या फिर नहीं। दोस्तों मैंने इसे बहुत सारे फ़ोन में ट्राई किया है, बहुत सारे फ़ोन को सेटिंग्स करने के बाद मैंने देखा कि वाकई में इसका स्पीड जो है वो बढ़ गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और यार अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की और भी ढेर सारी वीडियो मैं आपके लिए लाऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।